नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन सोमवार को एमएसआई इंटर कॉलेज में रूट मार्च एवं वार्डन सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ तथा इस रूट मार्च के मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाची ने हरी झंडी दिखाकर रूट मार्च को रवाना किया। रूट मार्च में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का दस्ता, होमगार्ड दस्ता, पीएससी दस्ता, पुलिस, पीएससी व प्राइवेट बैंड, एनसीसी कैडेट, पूर्वोत्तर रेलवे नागरिक सुरक्षा सदस्य, अग्निशमन दल का दस्ता शामिल था। यह रूट मार्च एमएसआई इंटर कॉलेज से निकलकर बख्शीपुर, नखास, घोष कंपनी, टाउन हॉल, अग्रसेन, तिराहा होते हुए कॉलेज में वापस पहुंचा, जहां पर वार्डन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी गौरव ग्रोवर तथा सीडीओ संजय कुमार मीना को नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन द्वारा बुके एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का बड़ा ही प्रशंसनीय योगदान रहा है। ये सभी एक ऐसी वॉलंटरी फोर्स है जिनकी प्रशासन को नितांत आवश्यकता है। वार्डनों की सामुदायिक सहभागिता एवं व्यवहार परिवर्तन में अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी धार्मिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहे हैं। जहां पर वार्डन आत्मसंतुष्टि की चाहत में तन, मन एवं धन से कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा में रत वार्डन जहां भी मिलते हैं ऊर्जावान होकर दिखाई पड़ते हैं। इस अवसर पर उद्योगपति ओम प्रकाश जलान, डिविजनल वार्डन राजेश चंद्र चौधरी, अखिलेश ओझा, नैयर आलम सिद्दीकी, रेकी ऑफिसर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह स्टाफ ऑफिसर, मनोवर सुल्ताना सहायक उपनियंत्रक, वेद प्रकाश यादव डिप्टी चीफ वार्डन, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, सुरेश कुमार डिविजनल वार्डन कोतवाली, विकास जालान, राजेश चौधरी, अखिलेश ओझा डिप्टी डिविजनल वार्डन, डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव, मुर्तजा आलम, ध्यान प्रकाश तिवारी स्टाफ ऑफिसर, जितेंद्र देव उपाध्याय, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, योगेश वल्लभ चौकियाल, शेष नारायण मिश्रा, कुमार आदर्श आनंद, कार्यालय स्टाफ अनूप सिंह, नित्यानंद दुबे, वेद प्रकाश मौर्य, कृष्णकांत, मनोज गुप्ता सहित प्रखंड कोतवाली, गोरखनाथ व सिविल लाइन्स समस्त स्टाफ अफसर, आईसीओ, पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी एवं जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, तमाम कर्मचारी और अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। विगत वर्ष में हमारे नागरिक सुरक्षा ने सभी त्योहारों में, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा, हनुमान जयंती, इन सब में हमारे वार्डन्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आम जनता की मदद में जो मास्टर वार्डन्स हैं जिनको पूरा जानकारी है उन्होंने और हमारे और बहुत सारी जगहों पे आपदा, फायर और अन्य चीजों पे हमारे नागरिक सुरक्षा कोर भी अपने ऊपर तस्वीर दर्ज कराता हुआ फिर इसी प्रांगण में वापस आया है। बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ हमारा दूसरा जो इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए मंच तक आएंगे। कोतवाली प्रखंड श्री रितेश आईसीओ घटना नियंत्रण अधिकारी गोरखनाथ प्रखंड आप तैयार रहेंगे। पोस्ट वार्डन आरक्षित गोरखनाथ प्रखंड श्री शेष नारायण मिश्र जी, श्री कुमारी शालिनी वर्मा, कुमारी
जोरदार क्लैपिंग श्री सुरेश कुमार के नामों की घोषणा हुई और माननीय जलंधर समिट पुरस्कार के लिए मुख्य अतिथि महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें जाता है तो मंचा सिंह रहेंगे कोतवाली डिवीजन जोरदार तालियां होती है में सिविल लाइन डिवीजन का सक्रिय सहयोग होते हुए सारे डिवीजनों ने सहयोग सभी लोग एक साथ आ जाएं अपना ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें तो श्री विशाल सिंह जी को कि प्रकाश यादव जी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास श्री रैया आलम साहब इस दरवाजे में कृपया आप आए हमारे कनिष्ठ सहायक कार्यालय से हैं इस बार उन्हें भी महानिदेशक का ये सम्मान पत्र मिला है हम उनसे आग्रह कि जल्द से आप स्टेज पे आए मुनव्वर सुल्ताना जी जो डिपाल जी जो हमारे मीडिया पर भारी भी हैं हमारे समस्त अच्छा करने की प्रेरणा देता है नारी की सुरक्षा और की इसी तरह की अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करता है मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत आज हमारे नागरिक सुरक्षा का यह 60वां स्थापना दिवस है उसी उसमें हम लोगों का हर साल वर्ष के बाद ही रूट मार्च होगा और रूट मार्च के उपरांत 12 बजे हमारे जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय आएंगे जो कि इस वर्ष में जिन वार्डन्स ने अच्छा कार्य किया है जिन डिविजन्स ने अच्छा कार्य किया है जिस फील्ड में अच्छा कार्य किया है उस फील्ड से संबंधित पुरस्कार सबको वितरित किए जाएंगे पुरस्कार करीब 300 वार्डन्स को इस बार पुरस्कृत होंगे आज सिविल डिफेंस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ये एनुअल वीक है इसी में जिन लोगों ने साल भर में अच्छे काम किए सबको सम्मानित किया इनफैक्ट सिविल डिफेंस के सभी लोग यहाँ अच्छे काम करते हैं और हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या त्यौहार हो जो हेल्थ रिलेटेड आज बेसिकली ये प्रोग्राम आयोजन इसलिए किया गया है जो काम कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन किया और आगे भी ये लोग इसी तरह सहयोग कर रहे हैं स्कीम्स है हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए अगर स्थिति आती है तो हमें इनकी मदद ले सकते हैं धन्यवाद